अब जो आप सवाल इस्लाहिया कमेटी की 3 अगस्त को जो होने जा रही है उसको लेकर जो सवाल कर रहे हैं कि क्या जनपद गाजीपुर के मुसलमान आपस में भेदभाव करते हैं, देखिए ऐसा है कि बाय लार्ज भारत में मुसलमान जो है कन्वर्ट हुआ है और वहाँ के भी मुसलमानों का कहना है कि वो राजपूत जो किनवार हैं वहाँ से कन्वर्ट हुए हैं और वो कन्वर्जन के बाद जो है जो ट्रेडिशंस थे जो रस्म रवाज थी वो अपने साथ वो इनहेरिट किए हैं, कन्वर्जन के बाद वो अपने साथ लेके आए, तो यानी वो हमारे बीच में कास्ट और क्लास सिस्टम लेके आए और ये कास्ट और क्लास सिस्टम जो है अपर क्लास लोअर क्लास कमसार में ही नहीं है बल्कि पूरे भारत में है। अब ये कहना कि वो भेदभाव करते हैं नहीं करते हैं इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, कुछ ज़्यादा ही ये पॉलिटिकल सवाल है। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि ये जो कन्वर्जन जो हुआ है वो सब अपने साथ लेके आए हैं। हाँ, इस्लाम में कहीं पे कोई कास्ट एंड क्लास की कोई बात नहीं है, इस्लाम में सब बराबर है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम सिर्फ मस्जिद तक मुसलमान होते हैं, बाहर निकलने के बाद शेख सैयद पठान और उसके साथ साथ में ये अंसारी है, जुलाहा है, कुजरा कसाई, ये नाई धोबी हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए और ये इसके ख़त्म करने के लिए कभी भी, बल्कि पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ, मैं इसको क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी लिए किसी ने काम नहीं किया, इसीलिए आज पसमादा की भी आवाज़ उठ रही है और कहीं ना कहीं हम लोगों में मुसलमानों में यूनिटी नहीं है। और उसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं इस्लाह की बात कर रहे हैं कि इस्लाह में जो आप कहते हैं कि आपके उस क्षेत्र के लोगों जहाँ भी अपने आप को मुस्लिम राजपूत कहते हैं, भाई वो उसमें उनका प्राइड है, उसमें वहाँ पर उनका जो है अपना एक तरह से एक शान झलकता है कि मैं वहाँ का खान पठान हूँ मैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे। और ये गलत जो है ये मिसनोमर कहलाता है कि ये मिसनोमर है जो कि अभी चला आ रहा है, उनको खुद को इस्लाह करने कराने की जरूरत है। दूसरा आपका सवाल ये है कि भाई इसको घर के मीटिंग में क्षेत्र में किस तरह की मीटिंग होनी चाहिए। एक जो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे अपने मुसलमान, और ये कमसार बार की बात नहीं करूँ, पूरे भारत के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, मसले मसाइल की बात करता है लेकिन सोल्यूशन की बात नहीं करता है, वहाँ पे इस्लाह की बात कर रहा है। अरे भाई इस्लाह आप ही का होगा कि पूरे तमाम मुसलमानों का होगा, इस्लाह सिर्फ जो है शादी ब्याह से लेकर रहेगा, या कभी आपने तालीम की बात नहीं, कभी इम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, कभी हुनर डेवलपमेंट की बात नहीं कही, वहाँ का यूथ जो है जो बहुत काफ़ी पोटेंशियल है वो जो है उसको कैसे उसको चैनलाइज किया जाए, अच्छे काम पर लगेगा उसके बात नहीं की। जब तालीम के लिए मैं कहता हूँ कि वहाँ पर तालीम कारवा क्यों नहीं पूरे क्षेत्र में हर साल एक निकलता है, रोजगार के लिए हुनर हाट और शहरों में लगना शुरू हो गया, मुसलमानों ने लगाना शुरू कर दिया, वहाँ पे हुनर हाट क्यों नहीं लगाते हैं कि क्या क्या स्किल हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या पढ़ाई करेंगे फौरन हमें नौकरी मिल जाए, किस तरह के काम करें कि हम बाहर जा सकते हैं, इस पे कोई बात नहीं करता। अभी तालीम की जब बात होगी तब सियासी और सामाजिक शोर आएगी, उस पर कोई भी बात नहीं करता है। मैं आप ही के देखिए मैं बताऊँ एक बात कि जो जानकारी हमने जानकारी मिली कि वहाँ पे कोई भी लड़का गाजीपुर से और खासकर मुसलमानों के बीच से टैलेंट सेट एग्जामिनेशन होते हैं, उसी तरह से और भी ढेर सारे एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ पे लड़का जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक जहन में ये मुसलमानों के है कि हमारा लड़का क्वालिफाई तो कर ही नहीं पाएगा, तो भाई तुम्हारे बीच में जो ये नेगेटिविटी आई है इसको ख़त्म करने के लिए तुम आप क्या कर रहे हो, हमारी कौम के लोग क्या काम कर रहे हैं। हम समस्या की बात करते हैं, मसले मसाइल की बात करते हैं, लेकिन हम लोग जो है उसको सोल्यूशन की बात नहीं कहते कि भाई कैसे उसको हल निकाला जाए। हम लोगों ने कभी कल्चरल इंटीग्रिटी की बात नहीं कही। मैं पिछले साल से आदमी जो पूरे 6 साल रिटायरमेंट को वो हो गया, वहाँ पर कभी कोई तालीम कारवा करने के लिए किसी ने इन्वाइट नहीं किया। मैं उर्दू के बुक को प्रमोशन के लिए फ्रूफ के लिए काम कर रहा हूँ मैं, जो आज इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है, एक भी प्रोग्राम वहाँ पर नहीं हो पाया। वहाँ पे कहावत ये नहीं कि भाई लादा लदवा दो और घर तक पहुँचा दो, भाई सभी काम हम ही करेंगे तो आप क्या करेंगे। ये इस तरह के मसले मसाइल हैं। आखिरी आपका सवाल जो आप पूछ रहे कहना चाहते हैं कि मैं वहाँ के लोगों से क्या पैगाम देना चाहता हूँ, भाई देखिए मैं पैगाम क्या दे सकता हूँ, हमारे बीच में हम सब लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग एक रोटी कम खाएं लेकिन तालीम पर हमारा फोकस होना चाहिए, हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात करें और इसके साथ साथ में किस तरह से हमारा कल्चरल इंटीग्रेशन होगा उस पर हमें काम करने कराने की जरूरत है। और अगर हम नहीं काम करेंगे तो हम ऐसे भी हर लिहाज से हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और पिछड़ जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे वहाँ के ब्रदर मिल्लत जो है 13 तारीख को कमसाबार के पूरी मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को उसमें ताउन करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में जब तक जो है तालीम की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, कल्चरल इंटीग्रेशन की बात नहीं होगी, कास्टलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात नहीं होगी, हमारा समाज का उत्थान, हमारा समाज का प्रमोशन या फ्रोक
नहीं हो सकता है, बस यही मुझे कहना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।